सारे सबक किताबों से नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कि सुनाता हूँ आज आपको एक प्यारी सी कहानी, उस किसान की कहानी जिसकी बेटी बहुत सुंदर थी। दुर्भाग्य से किसान ने जमींदार से कर्ज ले रखा था। जमींदार बूढ़ा और बुरा आदमी था। जमींदार ने जब उसकी बेटी को देखा तो सोचने लगा, क्यों ना कर्ज के बदले किसान से उसकी बेटी से शादी कर लूं। एक दिन जमींदार किसान के घर गया और बोला, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, मैं बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जब उसने ऐसा सुना तो किसान और उसकी बेटी के होश उड़ गए। फिर जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं, वो जो फैसला लेंगे वो हम दोनों को मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। यह बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार के कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। पंचायत जमींदार से पत्थर के ढेरों से एक काला और एक सफेद पत्थर लाने को कहा और कहा, एक थैले में दोनों पत्थर रख दो और उस लड़की को कोई एक पत्थर उठाना होगा और उसके आधार पर उसके पास तीन विकल्प होंगे। पहला, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी होगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वह सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी होगी और कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर वह पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत का यह आदेश पाकर जमींदार ने दो पत्थर उठाए और थैले में रख दिए, लेकिन लड़की ने देख लिया कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठा रखे थे। लड़की घबरा गई और सोचने लगी कि वो क्या करे। उसके मन में तीन तरीके नजर आए और वो सोचने लगी, पहला, मैं पत्थर उठाने से मना कर दूं और अपने पिता को जेल भेज दूं, या फिर सबको बता दूं कि जमींदार काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है, या फिर मैं काला पत्थर उठाकर पिताजी के कर्ज को माफ करवा दूं और जमींदार से शादी करके अपना बलिदान दे दूं। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है। तभी अचानक उसके पास एक प्यारा सा उपाय आया। उसने सोचा, थैले में अपना हाथ डाला, पत्थर उठाकर पत्थरों के ढेर में डाल दिया और नाटक किया, मैं कितनी पागल हूँ, मेरे हाथ से मेरा पत्थर फिसल गया और पत्थरों के ढेर में गिर गया, लेकिन आप लोग थैले में देख सकते हैं कि कौन सा पत्थर बचा हुआ है। जब लोगों ने देखा तो थैले में वही काला पत्थर था, जिसे लोगों ने साबित हो गया कि लड़की ने सफेद पत्थर उठाया था और उसका कर्ज भी माफ हो गया और उसको शादी भी नहीं करनी पड़ी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें सब धुंधला दिखता है, हर रास्ता नाकामयाबी की ओर ले जाता है, पर ऐसे समय हम कुछ देर हटके सोचने का प्रयास करें तो अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं।